अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज का सीन ऐसा है कि आज मैं पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूँ, क्योंकि जाना तो कल परसों ही था, क्योंकि टिकट फिर मिल नहीं रही थी, ना कल की मिल रही थी ना परसों की मिल रही थी। तो सुबह की टिकट, मतलब आज की टिकट जो है अचानक हुई, तो फिर जो है सुबह 12 बजे 12:30 बजे तक उठा, नहाए, नमाज पढ़ी जोहर की। तो अभी जो है तैयारी करनी है, सामान पैक वगैरह करना है, चलते हैं फिर सामान पैक वगैरह करते हैं, क्योंकि 5 बजे की ट्रेन है, फिर 3:30 बजे जो है रवाना भी होना है, और ऊपर से रोज़ा भी है, तो फिर रोज़ा है, और इंशाल्लाह जो है वो ट्रेन में इफ्तार करेंगे। तो चलते हैं अभी इफ्तारी की तरफ, उधर चलते हैं अभी तैयारी की तरफ सामान की। तो भाई अपनी तैयारी तो जो है पूरी हो गई है, क्योंकि आज हम पंजाब जा रहे हैं। ये बैग है, ये डब्बा नीचे से ले गया, उसमें सामान पैक किया, ये शूज़ हैं ये पैक कर दिए। तो अभी बस जो है 5 बजे की ट्रेन है, तो फिर इंशाल्लाह घर से जो है 3:30 बजे तक रवाना होंगे। तो भाई शूज़ वगैरह हमने पहन लिए, क्योंकि अभी जो है रवाना होना है, तो शूज़ पहन लिए, सामान तो पैक है अपना, तो अभी चलते हैं रक्षा वक्षा करवाते हैं, तो फिर कैंट स्टेशन निकलते हैं। तो यार रक्षा तो ऑनलाइन मंगवा लिया था, अभी कैंट के लिए निकल चुके हैं, आधे घंटे तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। भाई इंटर हो गए कैंट स्टेशन में हम लोग। तो भाई कैंट जो है हम लोग आ गए अभी, तो अभी जैसा कि 5 बजे की ट्रेन है, तो अभी थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे ट्रेन का, तो जैसे ही ट्रेन आती है फिर बैठ के निकलेंगे यहाँ से खुशी खुशी। पब्लिक में जब भी कैमरा ऑन करता हूँ बोला नहीं जाता, बंद करके जेब में रख लेता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह इस बार कोशिश करेंगे कि पब्लिक में भी जो है थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाएँ, ताकि पब्लिक में वीडियो बनाने का तरीका सही तरीके से, मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो सही हो अपना, बस और क्या चाहिए वीडियो बनाने, कॉन्फिडेंस अच्छा हो आपका। और दूसरी बात ये है कि यार जब आप वीडियो बना रहे हो तो हर कोई, मतलब कोई ना कोई आता जाता देख रहा होता, तो फिर उसमें भी बंदे को अजीब लगता है, बंदा कहता है छोड़ो यार सब देख रहे हैं, तो वीडियो बना के क्या करना है, तो बंदा मोबाइल जेब में रख ले। लेकिन इस बार जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बंदा पब्लिक में भी थोड़ा बहुत जाके वीडियोस वगैरह क्रिएट करें। तो यार जैसा कि अभी ट्रेन में मतलब बैठ गए हम, सामान वगैरह की सेटिंग भी सारी कर दी है, तो ट्रेन का जो टाइम था वो 5 बजे का था, लेकिन 5 मिनट लेट हुई है ट्रेन, तो अभी बैठ गए, अभी चलने के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन चलेगी। बाकी सामान वगैरह तो सारा सेटिंग से हमने रख दिया, तो अभी ट्रेन चलने का इंतज़ार है, कब चलती है ट्रेन, और फिर रोज़ा भी है, तो अभी फिर इंतज़ार करेंगे मगरिब की अज़ान का, फिर आज जो आज की इफ्तारी ट्रेन में होगी इंशाल्लाह। कराची से हैदराबाद तक का सफ़र जो है वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ हमारा, तो अभी जैसा कि हैदराबाद आ गया, तो पहले तो ट्रेन कराची से हैदराबाद तक पूरी की पूरी खाली थी, तो अभी देखते हैं कि कितने पैसेंजर आते हैं ट्रेन। और ट्रेन जो है वो तो आज मेरे को लग रहा है मेरे हक में चल रही है, क्योंकि माशाल्लाह ट्रेन बिल्कुल सही जा रही है रात से, तो अभी जैसा कि शक्कर रोड़ी जो है पहुँच गई है, सही टाइम पे लेके आई है बिल्कुल में, और वाकई माशाल्लाह रात का बहुत अच्छा हुआ, सो के सफ़र को गुजारा, क्योंकि सफ़र में नींद बहुत आती है इसी वजह से। बाकी सुबह का सफ़र जो है इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी बेहतरीन ही होगा, और टाइम से बंदा जो है घर पहुँचेगा। तो भाई अभी जैसा कि सुबह के बज रहे हैं 7, तो रात का सफ़र भी माशाल्लाह अच्छा गुजरा, तो सुबह
सुबह साथ अभी बावलपुर आया था, बावलपुर में 5-10 मिनट गाड़ी रुकी है, तो मैं उठ गया, मुँह हाथ धोया, मैंने बोला यार बहुत छोड़ दिया, ये सारा सफ़र जो है सो भी गुजारा है, तो बस अपना जो है ठिकाना भी नज़दीक ही है। भाई इस बार तो जो है सफ़र करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल सही चल रही थी, कहीं फालतू रुकी नहीं है, तो अभी बस आधा घंटा रह गया जो अपना चिन्नौसा स्टेशन आने वाला है, तो बस बाकी जो है सारी सीट वगैरह जो जो पैसेंजर बाद में बैठे थे वो सारे चले गए, मैं ही अकेला रह गया, तो चिन्नौसा स्टेशन आएगा तो मैं फिर वहाँ उतरूँगा, तो बस आधे घंटे तक इंशाल्लाह अपने घर पर होंगे। सफ़र इस बार का बहुत अच्छा हुआ। भाई हम जो है अपने शहर चिन्नौर में पहुँच गए, लेकिन जो किराया जो किराए की उम्मीद मैंने लगाई थी ना कि यार 100-150 रुपये होंगे, लेकिन उम्मीद जो है वो गलत थी मेरी, क्योंकि ना 100 थे ना 150 रुपये थे, तो 200 से ऊपर उसने बोला भाई किराया लगेगा, क्योंकि तुम अकेले ही हो इसलिए, तो अगर सवारी होती तो फिर मैं जो है किराया कम करता, तुम अकेले जा रहे हो इसीलिए तुम्हें 250 बोले, वरना ज़्यादा होते। उन्होंने बोला ठीक है यार तुमने लेने, फिलहाल अभी घर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाएंगे अपने शहर चिन्नौर का, यहाँ से स्टेशन से घर जाते थे। तो भाई आज हम जो है टाइम से घर पे आ गए थे, तो ये हमारी जो घर की छत है, बाकी वो भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, सारे अपने ही घर हैं यहाँ पे। हमारे घर के सामने एक चीज़ बड़ी प्यारी है जो पहाड़ी, इसके ऊपर चढ़ के माशाल्लाह आधे से ज़्यादा चिन्नौर जो है हमारा नज़र आता है इस पे, और ये माई जीवा का दरबार है जहाँ पर हर साल उर्स वगैरह लगता है, यहाँ भी बहुत रश होता है, और यहाँ पर जब आया हूँ तो माशाल्लाह मौसम भी बड़ा कमाल का बना हुआ है। चिन्नौर जब आया था तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो अभी भी बारिश वाला मौसम जो है बना हुआ है हर तरफ, आज का दिन तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है यहाँ पे। तो यार जैसा कि कल तो मैं तकरीबन 2 बजे तक आ गया था, तो कल सारा दिन जो है रेस्ट वगैरह किया, दोस्तों वगैरह से मिला, जो फिर घर पर थोड़ा सा टाइम दिया, तो भी मैंने एक दिन रेस्ट मारते हैं, कल अपना जो है ब्लॉग एंड करूँगा, तो कल क्रिकेट वगैरह भी थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा बाइक वगैरह पे भी घूमे, तो रोज़ा भी कल जो इफ्तार किया फिर घर वालों के साथ फैमिली के साथ, तो कल का दिन माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा था। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।